चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी बनकर के बैठा हूं भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। ये देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जिन बातों को केंद्र में रखा है उन बातों में हमारा प्रयास यही है कि सारे कारनामे देश में, देश इन कारनामों से मुक्ति होनी चाहिए, बुरे दिनों से मुक्ति, बुरे कामों से मुक्ति, बुरे इरादों से मुक्ति, बुरी नीयत से मुक्ति। क्या मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके? गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा, और आपको विश्वास दिलाता हूं आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा, इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। 100 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार, ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये, काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। चुप कर बे कुत्ते, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों,
ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं पहले सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया? खुलवाया कि नहीं खुलवाया? तो क्या नाचो मैं? 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अब आए ना लाइन पे कि विकास के वो बातें साकार हो ताकि गरीब से गरीब की जिंदगी में बदलाव लाने का अवसर तैयार हो, हमारे गरीबों का सशक्तिकरण हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ झूठ बोलो। गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। क्या कहते हो चौथी अपने का? आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया, क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था? मोदी को सो जाना चाहिए था? मोदी को भी क्या करे, हम देख लेंगे, हम समझेंगे, ऐसे करके चुप रहना चाहिए क्या? अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है? मैं उनके जैसा करूं आपको मंजूर है? उन्होंने जो किया मैं करूं मंजूर है? मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या हर हिंदुस्तानी आतंकवाद को आतंकवादियों की भाषा में जवाब देना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या आतंकवाद को उखाड़ फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंकना देना चाहिए? क्या इसके लिए मोदी ने हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? वक्त बदल चुका है, ये आपका चौकीदार चौकन्ना है, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। अब सरकार और हम कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है, योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है। भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है, उनकी नींद आराम हो गई है, और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 5 साल से दुकानें बंद पड़ी हैं, दलाली बंद हो गई है, बिचौलियों की कमाई बंद हो गई है,
और इसलिए चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है। लेकिन आपके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उत्तर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश।